हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडिशन लाइव क्लास में। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट चल रहा है, उसका आज पांचवा दिन है फिजिकल टेस्ट का। तो स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं कि उनका कैसा रहा फिजिकल टेस्ट। तो आपका नाम सर? वासा खान। तो आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, होने वाला है? हो गया। तो आपका परफॉर्मेंस लेवल कैसा रहा है फिजिकल टेस्ट में? क्या क्या आपने वहाँ पे और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो बताएंगे सर? मैंने साथ से की है दौड़, मेरे 10 नंबर आए हैं। और मैं आगे वाले स्टूडेंटों से कहना चाहता हूँ कि वो जल्दी आए तो उनकी दौड़ सुबह जल्दी होगी, कोई जितना लेट आएगा उसकी दौड़। इसलिए मेरा यही कहना है कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर 5 बजे पहुँच जाए, जल्दी से जल्दी ग्राउंड में प्रवेश करके ताकि हम दौड़ सकें। तो आप ये बताना चाहेंगे कि आपने गोली का प्रदर्शन कर दिया थी कि नहीं आपने, तो उस हिसाब से कितनी मेहनत के हिसाब से आपने बताएंगे सर? मैंने 15 दिन प्रैक्टिस की है, 5-7 दिन सुबह शाम थोड़ा था, तो 55 अंक उसमें 10,065 अंक आपके आ सकते हैं दोनों को मिला के। और जैसा कि आप स्टूडेंट से ये बताएंगे कि आप एक्सरसाइज की कौन कौन सी एक्सरसाइज करते थे, क्या क्या, ताकि वो भी उनको फॉलो करें। वो नॉर्मल एक्सरसाइज करता था, घोषणा रखा फिर 15 नंबर के काम से था। मैं सबसे पहले मैंने दो की थी, तो ये और 15 नंबर की दौड़ कर नहीं आया था, मेरा रिजल्ट आया था सबसे पहले 15 नंबर का काम था। लेकिन तो आपने हफ्ते की 20 में 30 सेकंड में दौड़ कम्प्लीट की थी, आपको कितने राउंड काटने पड़े? 13 राउंड। और 13 राउंड सिर्फ यही लगाए थे कि आपने मैगजीन क्या सोच रखा था, उन्होंने कैसे कैसे दौड़ने, 13 राउंड कैसे दौड़ने? फिर मैंने सर 6 राउंड 10:30 में शुरू कर दिए थे, 7 राउंड पूरी नंबर से, यानी सेम रिदम रहा आपका पूरे 13 राउंड। जी सर। तो इसमें आप हमें ये बता सकते हैं कि इसमें राउंड किसको काउंट करने पड़ते हैं, कुछ काउंट करने वाला है? काउंट करने पड़ते हैं, ये टेबल लिख के और जैसे कि हमें पता चला है कि वो पैरों में चिपका लगाते हैं, तो उसका थोड़ा सा बताएंगे कि उस चिपका क्या काम है, क्या काम करती है? दोनों पैरों में 2 चिप लगाते हैं, तो बीच में है ना 2 मैट बिछाते हैं, एक यहाँ पे एक थोड़ी आगे, तो उनके ऊपर पैर रखना पड़ता है और चिप से ही काउंट होती है। यानी आपका जो राउंड काउंट होता है चिप से ही काउंट? जी सर। और टाइम मेजरमेंट के लिए कोई अलग से फैसिलिटी दे रखी है वो इसमें? टाइम सर वैसे साफ बताते हैं, वैसे लगभग बताते हैं, एक्चुअल नहीं बताते हैं कि लगभग 15 मिनट हो गई, लगभग 16 हो गई, एक्चुअल बताते हैं मेरे पूरे 15 राउंड। तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि इसमें 13 राउंड करने पड़ते हैं, तो 13 राउंड के बीच किसी कैंडिडेट को प्यास भी लगती है या वो थक भी जाता है, तो उसमें पानी वगैरह अलाउ करते हैं उस दौड़ के बीच में? अच्छी व्यवस्था है, खड़े रहते हैं और वहाँ पे जवान पानी लेके जिसको पीना वो आराम से पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है पानी की। मैंने तो आप स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहेंगे कि उनको कैसे दौड़ना चाहिए, सेम रिदम रखनी चाहिए या रिदम में फेरबदल करना चाहिए उनको 13 राउंड कम्प्लीट करने के लिए? शुरुआत में ज़्यादा तेज नहीं दौड़ना चाहिए, आराम से जैसे उन्होंने जिस हिसाब से प्रैक्टिस की है उस हिसाब से दौड़े, जल्दबाजी ना करें, आराम से दौड़ करें। तो मेरा बेंच हुआ था 150 का, उसमें 8 लड़कों के 10 नंबर, 15 करीबन टोटल 60 या 70 पास हुए।
तो आपकी बैच में तो ऐसा कैंडिडेट थी जो मेडिकली इंजर्ड हुआ हो, उसको इंस्टेंट मेडिकल का नहीं मिला हो, तो उसको क्या हुआ था, वो चक्कर आया था या वो एक फ्रैक्चर वगैरह हो गया था? तो उसको इंस्टेंट मेडिकल का नहीं मिला। तो वैसे आप हमें ये जानकारी साझा करेंगे आप हमसे कि आप अपनी न्यूट्रिशन में क्या क्या लेते थे ठीक रहने के लिए और क्या क्या नहीं खाते थे? यानी आपका कहने का मतलब है कि फास्ट फूड वगैरह नहीं खाते थे आप, नॉर्मली जो पौष्टिक आहार होते थे दूध दही फल फ्रूट ये सब खाते थे? तो स्टूडेंट्स भी यही करें ताकि उनको फिटनेस रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट लगा सकें। आप हमें ये बता दीजिए थे अभी आपके बैच में ये तो काफ़ी बंदा जो है वो जैसे 40 बंदे पास हुए आपके बैच में, 45-40 बंदे आपके पास 60-70 के लगभग बंदे क्वालिफाई हुए। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपसे पहले जो बैच जोड़ा था उसमें कितने बंदे क्वालिफाई हुए, कितने बंदे फेल हो गए? उसमें 80-90 के आसपास पास हुए थे। जैसे जैसे लेट दौड़ हो रही है ना वैसे वैसे कम पास हो रहे हैं, थोड़ी गर्मी हो रही है इसलिए कम पास हो रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बंदों की वजह यहाँ पे सेंटर पहुँच जाना चाहिए कि वो काफ़ी वो एलिजिबल हो सके 15 अंक हो गए? तो यहाँ पे है ना 4:30 बजे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आए तो इसे क्या है जल्दी दौड़ रहा है, जो लेट आएगी उसमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे आते हैं। तो आप क्या रेगुलर बेसिस पे दौड़ते थे या आप एक दिन छोड़ के एक दिन कैसे दौड़ते हो? रेगुलर दौड़। तो रेगुलर कितने दौड़ कितने टाइम का और कितने किलोमीटर तक का दौड़ आप तय करते थे रेगुलर बेसिस पे? मैंने बेस्ट दौड़ की थी 20.5 मिनट में, 5 किलोमीटर की दौड़ आपने अपनी बेस्ट 20.5 मिनट में की थी। तो आपको लग रहा था कि आप यहाँ पे 20 मिनट के अंदर या 19.5 मिनट या 20 मिनट तक आप दौड़ कंप्लीट कर देंगे? तो मेरा बस सेकंड होगा फर्क रहा था नहीं। यानी इसमें ये स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आपका 20 मिनट से 1 सेकंड में ऊपर हो जाता है तो आप 15 की स्लैब में से 10 की स्लैब में आ जाते हैं। जी सर, अगर मेरे पास बेस्ट होगा और टाइम का पता नहीं चला। और आप हमें ये बता सकते हैं जैसे कि ये जो दौड़ हो रही है अंदर उसमें क्या क्या अलाउ है क्या क्या अलाउ नहीं, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउ है या और कुछ ले जाना अलाउ है, क्या स्ट्रिक्टनेस? कुछ भी अलाउ नहीं है, ये मोबाइल फ़ोन कुछ भी अंदर ले जाना अलाउ है। और इसके अलावा और अंदर ऐसी क्या स्ट्रिक्टनेस है जो कि स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, सही पूरी व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक टाइम की प्रॉब्लम है, टाइम का डिस्प्ले होता है। यानी टाइम का डिस्प्ले नहीं है उससे स्टूडेंट्स जो दौड़ रहे होते हैं उनको टाइम का पता नहीं है? टाइम की लगभग ही बता दें कि 3 मिनट हो गए, 3 मिनट बता दें तो इससे वो सेकेंड होते हैं। यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते कि आपने इतनी देर में इतनी दौड़ कम्प्लीट की? नहीं, वो रिजल्ट में तो बताते हैं, जब दौड़ते हैं ना तब नहीं बताते हैं। तो वो फेरबदल करना चाहिए आपके ब्लॉग में, डिस्प्ले होना चाहिए टाइम या स्टॉप वॉच नहीं करके। और आप स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या करना चाहिए दौड़ के पहले, या उनको रेगुलर बेसिस पे दौड़ना चाहिए? एक दिन पहले जैसे आपका कल टेस्ट है किसी का तो उसको रेगुलर बेसिस पे दौड़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब तो सर उसको हम टाइम ही नहीं बचा, जैसा हम उन्होंने प्रैक्टिस की उसी के हिसाब से दौड़ लिया, अगर उसमें जल्दबाजी की तो गिर जाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे किसी का कल टेस्ट है तो उसको एक दिन पहले दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए, या उसको रिलैक्स फील करना चाहिए? एक दिन का रेस्ट करना चाहिए, एक या दो दिन का रेस्ट करना चाहिए, थकान हो जाती है तो थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए।
ग्राउंड में कम लगाना है, यानी जो भी आपको एफर्ट लगाने ग्राउंड में ही लगाना है। एक मैंने कुछ करें तो कुछ खा के जाए, जैसे फ्रूट्स हैं, अगर उसका लेट नंबर आएगा तो उसकी लास्ट राउंड चल रहा है, लास्ट राउंड चल रहा है। और इसके अलावा मैं आपसे ये चीज़ पूछा था कि जैसे आपने एग्जाम दिया तो इसके कट ऑफ प्लेस से आपके अंदाजा कितनी जा सकती है इसकी कट ऑफ प्लेस, आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता तो होगा कि कट ऑफ प्लेस में जब क्योंकि बहुत से बंदों का भी पूछा तो सभी के 50-60 या 65 के लगभग ही कटऑफ जा सकते हैं, तो आपका क्या लिखिए 60 के आसपास में लग जा सकते हैं। तो आप इसके अलावा और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं लाइब्रेरी तो उसके लिए आपको क्या लगता है क्या सलाहकार हो जाएगा जैसे कॉन्स्टेबल पोस्ट में यही सब कुछ भगवान से कि आपका सिलेक्शन हो जाए कॉन्स्टेबल पोस्ट में, तो सर आपने मैं कितनी बजे उसकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।